हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और भाई कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और आप सबको पता ही है दोस्तों, शादी चल रही है गाँव में, तो गाँव में भाई आज बारात का दिन है और आज बनेगा भाई खाना। तो भाई खाना कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए पीछे भीड़ लग रखी है, सब लोग मिलकर आ रहे हैं और आलू देख रहे हैं सबसे पहले। और ये देखिए दोस्तों, मम्मी तो भाई 8 बजे ही यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। ठंडा लग रहा है। किचन में क्यों नहीं बना रहे मम्मी? किचन टूट गया है दोस्तों। और मम्मी आज तो शादी का खाना मिलेगा गर्मा गर्म। दोस्तों मैंने आपको सुबह सुबह दिखाया था ना कि आलू बल रहे हैं और वो सब हो रहे हैं, बेसन खुला रहा था या जो भी चीज़ हो रही थी। तो अभी भाई कम से कम मुझे आधा एक घंटा हो गया, मैंने ब्रश व्रश कर लिया भाई, नाश्ता वाश्ता कर लिया हम लोगों ने, चाय भी बन गया था। चाय खत्म भी हो गई दोस्तों, आइए भी नहीं बोल सके थे दोस्तों, चाय पी लीजिए। और मम्मी आज क्या बना रहे हो आप? आलू की भुजिया। शादी हो तो भी आलू की भुजिया। और काफ़ी लोग यार पूछ रहे थे कि जो माड़ो है ना, मतलब उसको लास्ट टाइम ना डेकोरेट कर रहे थे, तो मैं दिखा देता हूँ कि कितना डेकोरेट हुआ है ना, वो लास्ट वाली वीडियोज़ में आप लोग पूछ रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ यार, खाना भी दिखा दूंगा भाई कि यहाँ कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि सारा सामान आ गया है भाई। यहाँ पर है मोर और मोरनी जो हम सजावट के लिए यूज़ करने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, डेकोरेशन के लिए सारा सामान आया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये गृह प्रवेश के लिए है, यहाँ से पानी आएगा और इस पर पाइप के थ्रू हो जाएगा। तो वैसे तो एक तरीके से ये डिज़ाइन भी है और प्लस में भाई इस पर फाउंटेंस भी लगे रहते हैं, देखते हैं कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहाँ पे भाई असेंबल करा जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 80% डेकोरेशन पूरी हो चुकी है और देख सकते हैं भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरफ भी देखिए, अब पता भी नहीं चल रहे हैं कि बांस लगे हुए थे, बस ये सेंटर वाला पता चल रहा है ये भाई बांस है। बाकी बीच में यहाँ आम के पत्ते और यहाँ पे झालर हैं और यहाँ पे बॉल्स हैं, ये देखिए ठीक है। और यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है कपड़े से। और यहाँ पे सबसे आखिरी में जो होंगे यहाँ पे फूल लगेंगे गेंदे के, और जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं लेके चलता हूँ घर। और दोस्तों पापा सुबह यहीं पर ही आ गए थे और ये देखिए यहाँ पे सारा काम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बूंदी चला रही है भाइयों, और ये देखिए ये भी बूंदी। और पापा भी यहीं पर हैं, पापा हेलो, ये पापा भी यहीं पर है, पापा देख रहे हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे प्याज व्याज कट रहे हैं, और यहाँ प्याज कट चुके हैं सब्जी के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, जयमाला के लिए स्टेज तैयार हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। बीच में से एक ईंट निकालनी पड़ी है क्योंकि ओवरलैप हो रहा था इसमें, देखिए जैसे कि यहाँ पे प्लेन हो रहा है तो वैसे वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी, तो इसी वजह से वहाँ पे ईंट निकाल दी हमने। और जब दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा पीछे का, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसा स्टेज तैयार हुआ है। आज का व्लॉग भी काफ़ी लंबा होने वाला है। और भाई पीछे ना मतलब मशीनों की आवाज़ आ रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार दिखा दिया जाए। और क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे ना विनोइंग का जो प्रोसेस होता है और हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो रहा है दोनों का, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है भाई जितना। और यहाँ पर भाई गोलू धान लेकर आ रहा है। अच्छा ना कटाता भाई, देखो यार पहाड़ सा बन रखा है, देख रहे हो। और दोस्तों मैं और पापा आ गए हैं, वो देखो भाई क्या मस्त लग रही है मशीन, तो देखो कैसे पहाड़ सा बना रही है भाई, ये देखो एकदम अलग लेवल पे भाई, मस्त क्या बात है। ये देखो भाई और यही सारा धान है दोस्तों जिसको हम इस मशीन में डाल रहे हैं। पापा ने भी दोस्तों पहली बार देखा है, मैंने तो देखा ही देखा है। तो पहले ही हम लोग ऐसे ही पीटते थे, मतलब पहले आप पीट के करते थे और अभी मशीन से होने लग गया है। मशीन से होने लगा है, मतलब है टेक्नोलॉजी तो बढ़ा है, अब पेटारी खत्म हो गया और मशीन वालों को पैसा भी देना पड़ गया, घाटा है बहुत, लेकिन क्या है
इसमें जिसके पास कम आदमी है और समय उसका बच गया। हाँ तो दोस्तों देखिए कितना भाई पहाड़ सा बन गया यार, दूर से अलग सा ही दिख रहा है। और इसमें लेबर ज्यादा लगता था, लेबर जो पहले हम लोग पीटते थे ना उसमें लेबर ज्यादा था, धान इकट्ठा करना, फिर उसको फटकना, फिर उसको पंखा से मतलब जो उड़ाना, जो घास घास फूस होती है, धान मरा उड़ गया और बढ़िया धान निकल गया। पर इसमें बढ़िया सारा धान निकल रहा है। हाँ इसमें बढ़िया सारा धान निकल रहा है। ये देखो ललित भाई, ललित भाई यहाँ कैसे बैठे हो आज? तो देखा वहाँ पे क्या हो रहा है ललित? क्या हो रहा है? पहाड़ बन रहा है, इधर आना। हम लोग ऐसे चले गए हैं। ये देखो 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 देख रहा है कैसे पहाड़ बन रहा है भूसे का। हाँ भाई देख रहे हैं, वही देखने गए थे। हाँ मैं सोचा पता नहीं क्या करने गए तुम लोग। बोला पापा भी नहीं है घर पे, पापा भी कहाँ चले गए? कोई नहीं भाई, हम नई नई चीज देखते तो ऐसे चले जाते हैं भाई, करने के लिए है क्या हमारे पास। सोच रहे हैं बाल कटवा लेंगे। यहाँ पर ये काट लिया मम्मी ने भतुआ। अरे बस पौधा पौधा काट देते। ये देखिए कितना सुंदर है फ्रेश भतुआ। तो आलू का भुजिया थोड़ा सा मैं बनाई हूँ, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसका भी सब्जी बना लूँ क्योंकि सब्जी कम है। चलो चलो चलो। और दोस्तों आज दादा को सेकंड डोज लग गई है और हमारे सर लगाने आए थे यहाँ पर, तो हमारे गांव में भाई बहुत अच्छे अच्छे काम होना शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं भाई जय माला के लिए पूरी तैयारी हो गई है, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। और इस तरफ दोस्तों मैं भी ऐसे क्या करता हूँ, सारी चेयर गिनता था बैठ कर। मैं भी ऐसी कुर्सी गिना करता था। और यहाँ पे सारा सामान आ गया सजावट का, थोड़ा सजावट होगी। और ये देखिए दोस्तों तैयारी हो रही है यहाँ पर शादी की, स्टेज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मिठाई पैकिंग हो रही है, जब मेहमान लोग आएंगे तो उनको नाश्ता कराया जाएगा। और यहाँ पर बाबू जी कौन सा पैक हो गया बाबू? और ये देखिए ये पूरा पैक हो चुका है। और आइटम बॉम है ना सुबह, आइटम बॉम है ना आइटम बॉम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे लोग सब मिलकर पैक कर रहे हैं मिठाई, हमारे फूफा जी भी हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चावल दही और चीनी की रस्म हो रही है ना दादी, है ना दादी, यही हो रही है ना दादी। यहाँ पे रस्म हो रही है, यहाँ पे खिलाया जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ बारात के लिए और अभी बज रहे हैं 4:30 हो रहे होंगे। और यहाँ पर खाना सारा बनने वाला, बस पूरी रह रही है, सब्जी सारी बन चुकी है और यहाँ पर सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। पंडित जी आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कचौड़ी वचौड़ी बन रही हैं। बोले मंत्रहीनम अंजलि भगवान से ये कही के बाद, हे भगवान रुवा सब कुछ जान जाने, आज हमारा यहाँ जग बा, हमारा पुत्री के विवाह बा, हे भगवान जग बहुत शांति से होको, जग जगदीश के होला, हे भगवान हे श्री सत्यनारायण भगवान हमारी इज्जत मान मर्यादा राखी, हमारा बढ़िया से जग पार होको। Thank you.
हे भगवान हे करे जी है सब देवता लोग ये बाहर के देवता बालू हमारे जग देखो शंकर जी से सब देवता लोग से आग्रह करा कि हे भगवान का। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। दे दे बाबू दे 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 ज्यादा ज्यादा दवा ना मर दे। और यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई। अरे ठीक है भाई यहाँ पे ललित भाई भी एकदम खाना नहीं मिल रहा था और भाई अपन भी खा रहे थे प्रसादी को। यहाँ पर दोस्तों प्रसाद बैठ गया है। और ये देखिए चना अमृत मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पूरे में कथा के बाद चना अमृत बांटा जा रहा है और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं।